मंच पर जो बैठे हैं वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामेश जी, श्री हमारे जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी, ओम प्रकाश जी रोगा जी, सत्यपाल जी गुर्जर और जमीर खान जी, जनेश जी भूटानी, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में जो अभी शामिल हुए हैं राजकुमार जी अडवाणी, महिपाल जी भारद्वाज और पूर्व सरपंच राजेश्वर जी अग्रवाल, ये मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पार्टी के आने के अंदर से आने से आप हमारी और मजबूती कायम करोगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी की मजबूती आपकी वजह से और ज्यादा फैलेगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ एक और स्पेशल व्यक्ति बैठे हैं, 4 महीने तक हमारे साथ अपनी मोटरसाइकिल पे चलने वाला अकेला, अपने मोटरसाइकिल पे चला मैं तो, हम तो फिर भी एयर कंडीशन में 50 डिग्री में अंदर बस में बैठे थे, ये एक था जिसने 14,000 किलोमीटर साइकिल के ऊपर आप लोगों की पूरी प्रेजेंस दर्ज कराई। ये है साधु राम जी, जिन्होंने पूरी तरह से हम लोगों के साथ पे कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैं तो आज मैंने कहा मैं आज तो बोलूंगी ना, बहुत अच्छा लगा कि ये तो अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो चुनाव जिता के छोड़ेंगे मुझे लगता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में ये कहने आई हूँ कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, राम एक हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि हमारे परिवार का जैसे आप पंच हो वैसे ये भी है। और मैं मानती हूँ कि अगर आप इसको वोट दे रहे हो तो यही समझिए आप मेरे को वोट दे रहे हो। चुनाव के हम दोनों जन लड़ रहे हैं, क्या अकेले ही नहीं हम लोग लड़ रहे हैं, और ये आपकी लड़ाई है जिसको हम दोनों लड़ रहे हैं। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि हम तो मुख्यमंत्री को देखते हैं टेलीविजन पे, और टेलीविजन पे ये बताते हैं कि वो किस तरीके का चौमुखा विकास पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कर लिए। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि चौमुखा विकास तो मैंने भाइयों ने देखा, मुझे याद है कि 5 साल के अंदर हमने कितनी मेहनत की, हम लोग 12-12 घंटे बात करते काम करते थे, और मुझे ये मालूम है कि जो मूलभूत सुविधाएं थी वो तो हमारी जनता को मिल जाती। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपके जीएसएस और के आपके 132 केवी के जीएसएस खड़े भी किए थे, पर जो आप लोगों को आज बिजली मिल रही है क्या? 8 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली। अभी मैंने मुख्यमंत्री का जो ये घोषणा पत्र को देखा, उन्होंने कहा 2008 के घोषणा पत्र में कि 5 साल में पूरे 24 घंटे बिजली दूंगा, मिला किसी को? और जो महिलाओं को मैंने बिजली दी थी कि महिलाओं को अलग से पहली दफा राजस्थान के अंदर एक सिंगल फेज की बिजली देने का मैंने काम किया था, घरेलू बिजली नाम दिया था मैंने, और जाते जाते 20-22 घंटे देके गई थी, लगा था मुझे कि 5 साल के अंदर ये 24 घंटे हो जाएगी, परंतु ये मिला क्या आपको अभी तक? मैं देख रही हूँ कि ट्रिपिंग के साथ मिलता है, किसी को सीधे सीधे नहीं मिल रही। और माता बहने मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, सरकार अपनी आएगी तो आप लोगों को 24 घंटे बिजली ये देके छोड़ेंगे, आपको आपके घरेलू बिजली जैसे वादा किया था उसको पूरा करके छोड़ेंगे। इसको चौमुखी विकास कहते हैं, जो बिजली नहीं देता, जो पानी नहीं देता, जिसकी सड़क बदहाल है, जिसके रोजगार की इतनी जोरदार कमी है, बताओ भाइयों किसी को रोजगार मिला है कोई? कहा था आपने घोषणा पत्र 2008 में कि 10 लाख बच्चों को हम इन 5 साल के अंदर नौकरी देंगे, मिला किसी को? हमारे टाइम में हमने 10 लाख को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया, और मैं अभी आपको वादा करके जा रही हूँ कि आने वाले 5 साल के अपने सरकार के टाइम में 15 लाख बच्चों को गैस से अलग करते हुए और आप लोगों को RTSC के द्वारा नौकरी देने का काम हम करेंगे, आपको टेट में नहीं और कोर्ट में नहीं फंसाने का काम करेंगे। ये सरकार तो ऐसी है कि कभी टेट पे फंसा देती है, कभी कोर्ट में ले जाके वहां न्यायालय में फंसा देती है, देने का मन नहीं है, ये तो खाली झांसे की बात है, रोज रोज कोई ना कोई नया झांसा देती है, लोगों को उसमें अटका देती है और काम कुछ करती नहीं। ये चौमुखी विकास में जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, क्या है चौमुखी विकास? कौन सा चौमुखी विकास किया है इस मुख्यमंत्री ने? इतना कह सकती हूँ चौमुखी विकास किया तो अपना, अपने बेटे के तो होटल बना दिए,
अपनी बेटी के फ्लैट ले लिए, अपना पैसा मुंबई के सेठों के पास रख के आ गए, अपने परिवार के लोगों को जय नारायण वास यूनिवर्सिटी के अंदर उनको प्रोफेसर वगैरह बना दिए, जबकि उनका कोई नंबर नहीं था। अपने खान जो खान उधर थे आवंटन करना था जोधपुर के अंदर, वो खान का आवंटन अपने परिवार वालों को दे दिया और बचा कुचा अपने मंत्रियों के बीच में बांट दिया। और फिर भी जब रॉबर्ट वाड्रा आए तो बीकानेर के 10,000 हेक्टेयर भूमि उनको भी दे दिया। अब बताओ भाइयों, ये है चौमुखी विकास, इसको कहते हैं चौमुखी विकास। जनता का चौमुखी विकास से क्या मतलब हमारा? हमारे तो विकास वो विकास है जो हमारे आजू बाजू होता है, हमें किसी और के विकास से मतलब नहीं है। और अभी अभी आपके राहुल गांधी भी आए तो बड़े बौखला गए हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, पढ़ रहे हो आप सुबह सुबह कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आज की बात करते हैं, हमें तो आपकी चिंता है, कल की चिंता है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आप तो कल 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 करते करते 65 साल निकाल के रखती है, हमें आपके ये 65 साल से मतलब नहीं है, ना आपके कल से मतलब है, हमें हमारे आज से मतलब है। इसलिए जो आप कल कर रहे थे वो आज करो, और जो वो आज कर रहे थे वो अभी करो। नहीं, हमारे जनता अब नहीं रुक सकती किसी के लिए। हमको आप लोगों ने इतने झांसे दे दिए, इतने झांसे दे दिए कि हम सबके पेट उस झांसे से ही भर गए। महंगाई की वजह से भूख तो भूखमरी तो है ही है, हम वो नहीं कर सकते जो करना चाहिए। परंतु आज टमाटर कितने हो गया, और आपके प्याज बस ये तो है गुंजाइश, आपका नमक कितना बस, तो आप काहे की चिंता करते हो। अभी तो समय है, आपके वहां के मंत्री कहते हैं कि महंगाई क्या बात करते हो आप, पहले तो 2 रोटी खाते थे इसलिए महंगाई नहीं होती थी, अब रोटी के साथ सब्जी खाने लगे हो तो तुम्हारी गलती है इसलिए महंगाई हो गई। ये उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, इसकी वजह से महंगाई हो गई। फिर एक और मंत्री आया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो ये अंडा भी खाने लगे हैं, उसके साथ फल भी खाने लगे हैं, ये इनकी गलती है, अंडा भी खाते फल भी खाते सब्जी भी खाते अपनी रोटी के साथ, इन्हें महंगाई बढ़ा दी। भाइयों, जो सरकार कहती है, इस तरीके की सरकार है जिसको आंसू पोंछना तो नहीं मालूम है, नमक मने जले के ऊपर नमक छिड़कना मालूम है, क्या ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का कोई मौका देना है भाइयों? 65 साल हो गए, गरीबी हटाओ, कितनी बात सुना आपने, जवाहरलाल नेहरू आए गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी आए गरीबी हटाओ, राजीव गांधी आए गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी आए गरीबी हटाओ, राहुल गांधी आए गरीबी हटाओ, और आज राजस्थान की क्या पूरे देश के अंदर विश्व बैंक ने कहा है कि 70% हिंदुस्तान के लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे, हटा दी गरीबी, ऐसे ही हटाएंगे। और अगर हमने 5 साल और दे दिए ना इनको तो भट्टा बिठा के रखने का काम करेंगे भाइयों, इनके अंदर अपने को विश्वास अब करने की जरूरत नहीं है। इनके पल्लू के साथ महंगाई बंधी हुई है, जब इनकी सरकार आती है महंगाई आती है, अटल जी की सरकार आई महंगाई नीचे गई, अपनी सरकार आती है तो महंगाई नहीं होती, इनकी सरकार के साथ एक क्यों बना हुआ है? ये आपको कहते हैं कि आप सब्जी रोटी और मम्मी क्या क्या खाते हो जिसकी वजह से आपकी इतनी महंगाई आपने बढ़ा दी है, पर तो इनसे पूछो कि ये क्या करते हैं जिसकी वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई है। मैं एक उदाहरण दूं सुनोगे, एक उदाहरण दूं तो सुनोगे, पूरे इतने साल निकल गए 60 साल निकल गए, इस 60 साल के अंदर राजस्थान के ऊपर कर्ज 50,000 करोड़, 5 साल के अंदर कर्ज 45,000 करोड़, माने अब इनके 45,000 करोड़ की वजह से 95,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान पे, मतलब यहाँ एक एक महिला बच्ची बच्चा और व्यक्ति बूढ़ा जवान जो भी बैठा है 14,000 रुपए का कर्ज तुम्हारे सिर पे है, ये मान के चलो। और तब जब आपको पेट्रोल का तेल का पैसा आ रहा है, पहले साल में 3,600 करोड़, दूसरे साल में 10,000 करोड़, तीसरे साल में 15,000 करोड़, चौथे साल में आपके 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ तो हमको तेल के पैसे आ गए, और इतना पैसा तेल का आने के बावजूद भी हमारे कर्ज को खत्म करने के बजाय ये पूरा तो हजम कर गए, और उसके साथ साथ हमारा कर्ज 95 करोड़ तक ले गए, एक एक बच्चे के ऊपर कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। ये है कांग्रेस का काम, और वो कह रही है कि गरीब का स्तर होती है, ये राहुल कहते क्या
बीजेपी दीवार से फोड़ती है गरीब का घर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गरीब का सर, गरीब का सब कुछ फोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और मैं कह रही हूँ आप लोगों को, एक दिन ज्यादा अपने को नहीं रखना है, एक दिन ज्यादा नहीं रखना है भाइयों, एक दिन भी ज्यादा रखोगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं,